हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की वीडियो है फार जैकेट घर पर कैसे धोएं बिना वॉशर मशीन। तो आज मैं यही वीडियो लेकर आई हूँ। मैं ये दो जैकेट धोने वाली हूँ हाथ से, और कैसे धोती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से ये निखर जाती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये वॉशिंग मशीन में नहीं धोऊंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोने से इसके जो बटन हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ईजी का इस्तेमाल करूंगी इसमें। तो थोड़ी सी ईजी डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालूंगी। कोई भी सर्फ आप डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन एक ढक्कन के बराबर इसमें डाल दी है ईजी, और एक चम्मच मैंने इसमें डिटर्जेंट डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से झाग कर लेंगे, और फिर इसमें हम डिबो कर रख देंगे ये जैकेट। तो घर पर ऐसे ही धोते हैं हाथ से, वॉशिंग मशीन में नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी जो फार होती है वो ख़राब हो जाती है, और जो इसके जो बटन होते हैं उसका भी टूटने का डर रहता है। इसलिए इसे हाथ से ही धोना अच्छा है। ईजी और थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डालने से काफ़ी अच्छी ये निखर जाती है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही डिबो कर रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और मैं जहाँ पर कह रही थी कि ये बटन फिर नहीं टूटेंगे वॉशिंग मशीन में यदि हम हाथ से धोएंगे, तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये अच्छा खासा समय पानी डाल दिया है, इतना ही पानी डाला है जितनी हमारी जो जैकेट है वो डूब जाए। तो ये देखिए, इसे हाथों से ऐसे मसल मसल कर मैं दोनों जैकेट धो लूँगी, क्योंकि जहाँ बाजू पर ज़्यादा गंदा रहता है और इसके कॉलर, तो जब बच्चों की जैकेट है तो इसलिए तो थोड़ी गंदी हो जाती है, मगर ऐसे हाथों से रगड़ने के साथ ये साफ़ हो जाएंगी। तो मैं इसे धो तो रही हूँ हाथों से, मगर इसको निचोड़ूंगी वॉशिंग मशीन में ही, क्योंकि सुखाने वाले पासे में ही इसको मैं डाल दूंगी, क्योंकि जो सुखाने वाला वॉश करने वाला है वहाँ पर बटन टूटने का कोई डर नहीं है। बस एक फ़ायदा है कि जो सर्फ़ है वो अच्छे से निकल जाएगी, और जो जैकेट है वो अच्छे से वॉश हो जाएगी। यानी कि इसकी जितनी भी ईजी वगैरह है और डिटर्जेंट डाला था वो सारी ऐसे निकल जाएगी। तो ये देखिए, ये थोड़ा कलर गंदा है, तो इसे भी मैं ऐसे ही हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी, और बहुत ही आसान तरीके से ये साफ़ भी हो गया था। तो इन जैकेटों को बटन टूटने से बचाना है तो हाथों से ही इसे धोना चाहिए। तो बस जहाँ पर ऐसे मैं रगड़ रगड़ के कर दूँगी साफ़। तो ये बच्चों की है ना, तो फिर ये जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसे ईजी और डिटर्जेंट पाउडर में ही हम डाल देते हैं। तो वहाँ पर फिर मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिए थे, और ये देखिए, फिर मैंने सादे पानी से भी निकाला था, तो फिर इधर जो वॉश वाला जहाँ से सर्फ निकलती है ना वहाँ से डाल दिया। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये जैकेट हमारी जो है वॉश हो चुकी है, निखर चुकी है। तो मैंने इसे छत पर डाल दिया है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़।